नमस्कार, भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए न्यूज के साथ मैं राहुल जगजीत, दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा के गायत्री मंदिर से। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आज बहुत ही भीड़ सुबह से शाम तक दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही अच्छा त्यौहार मनाया जा रहा है तीज का। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छा वर पाने के लिए लड़कियां भी ही हर तालिका तीज का व्रत रखती हैं। हर तालिका के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शंकर का पूजन और आरती होती है, कई जगह होता है। कई जगह की परंपरा की माने तो इस दिन पंचामृत भी बनाता है, जिसमें घी, दही, शक्कर, दूध, साध का इस्तेमाल होता है। हर तालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि भी दिए जाते हैं। आइए देखते हैं आगे पूरा कवरेज, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने आसपास के लोगों को बताएं। तीज का पूजा चल रहा है और लगातार महिलाएं महादेव के दर्शन के लिए पूजा के लिए, इसका विशेषता लोग बताएं और किस तरह से जो महिलाएं वो पूजा करती हैं, पूरे दिन व्रत में रहती हैं, उसके बारे में। पूरे दिन व्रत उपवास रहती हैं, पति का लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और शाम को ले जाकर मंदिर में पूजा करती हैं, और कोई अन जल ग्रहण 24 घंटा में कोई अन जल ग्रहण नहीं करती है। उसके बाद कथा सुनती, हरतालिका व्रत कथा है, शंकर जी का है, शिव जी का व्रत है, वो शिव जी का कथा है वो, और उनका कथा करते हैं, फल फूल आदि हर चीज़ चढ़ाकर उसका हम लोग पूजन करते हैं ऐसा। कैसे उसको पूजा होता है, कितने दिनों का, एक दिन, हाँ पूरे एक दिन का पूजा रहता है। शाम को हम लोग एक मंडप सजा के वहाँ पे पूजा करते हैं, रख बैठ के। हम 10 साल से कर रहे हैं, नहीं शादी होने के बाद में चालू किए, 10 साल से कर रहे हैं। प्रतिमा तिवारी कृतावसान नटराज राजौ नन्नाद ढक्कावनौ पंचमहारम पंचवक्राय विद्महे शिवताय धीमह तन्नो रुद्र प्रचोदयात। आज का पावन अति पुण्यशाली दिन, आज के दिन भगवान शिव को केवड़ा से पूजा कर हरतालिका तृतीया मनाई जाती है। अपने पति के लंबी आयु के लिए भगवान शिव को पूजा कर भगवान शिव के पास यही प्रार्थना और कामना करते हैं कि हे भगवान शिव, हमारा सौभाग्य अखंड रहे, साथ ही साथ हमारे संतान में विद्या की वृद्धि हो, हमारे यहाँ यश कीर्ति की वृद्धि हो, हमारे यहाँ सदैव समृद्धि बनी रहे। भारत उदय समाचार के माध्यम से मैं गायत्री परिवार सिलवासा की मंदिर से भगवान श्याम सदाशिव का वह आशीर्वाद प्रदान सभी भक्तों को करता हूँ, बहनों को करता हूँ। आज की पूजा में विशेष भगवान शिव के पास पंचमेवा इत्यादि फल फूल आदि से पुष्प भगवान जी को चढ़ाकर भगवान से यही प्रार्थना और अर्चा करते हैं कि भगवान, केवल आज का दिन ही ऐसा है कि भगवान शिव को केवड़ा चढ़ता है, बाकी शिव को केवड़ा नहीं, केशव को प्यारा है, भगवान विष्णु को प्यारा है। तो आज के दिन भगवान शिव की पार्थिव लिंग के ऊपर केवड़ा का पूजा कर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें सुख शांति और समृद्धि मिले। तो सभी बहनों जो आई हैं आज के दिन भगवान शिव की पूजा में, उन सभी को सुख शांति व समृद्धि मिले, ऐसी कामना के साथ अस्तु शुभम भवतु। लगभग गिनती तो वैसे नहीं की जा सकती, पर करीब 3000 के ऊपर बहनें यहाँ आई हैं और बहनों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है, भगवान शिव को रिझाया है, मनाया है, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बरसे यही आशा रखता हूँ। रात में करीब 8:30 बजे तक ये ऐसे ही प्रवाहित रहेगी। 8:30 बजे के बाद जैसे ही बहनें पूजा ये कर ले तो व्रत का उद्यापन करने है तो कथा इत्यादि का पठन व पाठन करेगी। कल गणेश चतुर्थी है, कल गणेश स्थापना पूरे सिलवासा में हो रही है, और अपने यहाँ ये सार्वजनिक गणपति मंडल महोत्सव के द्वारा पिछले 80 साल से गणेश जी बिठाए जा रहे हैं। सिलवासा का बहुत ही पुराना ये गणपति जी का स्थापन है और 81वां साल कल सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। कल सुबह
11 बजे से भगवान गणपति का स्थापन पूजन अर्चन होगा। 5 दिन पर्यंत यह रहेगा। इस 5 दिन में यही मनोकामनाएं मांगते हैं कि हमारा सिलवासा है वह शुद्ध वह समृद्ध बने उस भाव के साथ। आगे सुहाग के लिए करते हैं, ये भगवान शंकर का पूजा है। माता पार्वती के साथ माता पार्वती ने यह व्रत शंकर भगवान को पाने के लिए यह व्रत किया था, जो कि उन्होंने शंकर भगवान को यह हरतालिका तीज जो है हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को आता है, जो कि पार्वती जी ने करके भगवान शंकर को अपना वर प्राप्त किया था। नहीं, स्त्रियां अपने सौभाग्य सुख शांति समृद्धि के लिए करती हैं, जो कि उनको मेन जो है वो सुहाग कुंवारी लड़कियां जो है भगवान भोलेनाथ जी से ही प्रार्थना करती हैं कि आपके जैसा मेरे को वर प्राप्त हो, जो कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। मेरा नाम ललन तिवारी।